परमात्मा आंखों में समाये थे, सब शुद्ध आत्माओं को ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, आप सभी ईश्वरीय जीवन का सुख अनुभव करने के लिए एक ब्राह्मण जीवन हमको गिफ्ट के रूप में लिया है। सत्युग के नजारे अब से दूर, लेकिन हम सबको ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद तीन बातों को हम अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन हमको अधूरा लगता है। पहला है अतीन्द्रिय सुख, दूसरा है जीवन मुक्त स्थिति, तीसरा है कर्मातीत स्थिति। अतीन्द्रिय सुख, जीवन मुक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति, ये तीनों को हम ब्राह्मण आत्मा करना है। अब सत्युग में भी ये स्टेज अनुभव नहीं कर सकते और कोई युग में भी इसका आनंद हम आत्मा नहीं ले सकते। अगर हमको ब्राह्मण जीवन एंजॉय करना है तो हमको कर्मों की गुह्यता अच्छी तरह से पहचान होना है। जिसको कर्मों की गुह्यता नहीं जानकारी होता वो हमेशा कर्म बंधन में रहता है। जितना जितना आत्मा के तरफ सम्मुख होते जाएंगे उतना उतना कर्म बंधन छूटे जाएंगे। ये आता है वो सब क्रिया है जो भाव में क्रिएट होता है, रचना होता है, वो कर्म का हिसाब बन जाता है। ये पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है, समझिए आपसे मैं पूछता हूं, हम सबको बाबा मिला, एक कर्म है या कर्म का फल है? कर्म का फल। आप भोजन खाते हैं वो कर्म है या कर्म का फल है? कर्म का फल। किसी को भोजन खाने के लिए ही नहीं होता वैसा उसका जीवन में संकट आ जाता है, वो कर्म है या कर्म फल है? कर्म फल। आपको किसी ने गाली दिया वो कर्म है या कर्म का फल है? आपने किसी को आपने कुछ दोष देखा वो कर्म है या कर्म का फल है? कर्म, कर्म। जो आएगा बाहर से वो फल है। हाँ,
जो अंदर इंटेंशन में रिकॉर्ड हो जाता है, जो किसी को मालूम नहीं होता। समझो, आपको किसी से कुछ काम कराना था, आपने प्यार से बोला कि काम करो, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये कर्म का फल है, रिजल्ट। आपने उस पर क्रोधित होकर के या कुछ फोर्स डाल करके काम कराया है, आपने समझा वो काम कर देगा, हाँ वो काम कर देगा, लेकिन अंदर एक भावना बैठ जाता है, देखा ना, मैंने अगर क्रोध नहीं किया तो काम नहीं होता था, तो आपके इंटेंशन स्ट्रॉन्ग हो गए। देखा ना, आप इतना प्यार से बोला वो काम नहीं किया, आपने जोर शोर मचा कर बोला तो वो काम कर दिया, तो आपने समझा कि काम हो गया, भले स्थूल रूप से काम हो जाता है लेकिन अंदर कर्मा का बीज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसी को कर्म का बंधन कहते हैं। देखो, किसी ने दान करता है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। दो व्यक्ति थे, एक मंदिर बनाने में उसने 1000 रुपया दान किया और अंदर भावना क्रिएट किया, हे भगवान, अगर मेरे पास बहुत धन होता तो मैं आपके इस मंदिर बनाने के सेवा में 1,00,000 रुपया लगाता था। भले वो 1000 रुपया डाला है लेकिन भावना क्या था कि मुझे और भी देना है, ये भावना की। एक मेयर, कोई एक बड़ा आदमी, उसने 1,00,000 रुपया डोनेट किया। वो डोनेट करते ही सभी उसका नाम प्लेट्स, नेम प्लेट्स वगैरह उधर इधर मंदिर के तरफ लगा के प्रेस मीट लिया और सभी ने उसको सम्मान किया, सभी ने उसको फोटोग्राफ लिया, सब तरह से उसको सत्कार किया। और उसका जो चपरासी होते हैं ना, पता है ना, चपरासी जो ऑफिस में होता है, उसका चपरासी ओपियन कहते हैं, वो आकर के बताया, साहब मैं इतने साल से देख रहा था, आप कभी भी किसी के लिए एक चाय भी नहीं मंगवाया, इतना कंजूसी समझा, लेकिन आप बहुत बड़े दिल वाला है साहब, आपने 1,00,000 रुपया मंदिर बनाने में दे दिया है। तो वो मेयर बोलते हैं, तुम्हें क्या पता है मेरे ऊपर वालों का प्रेशर के कारण मैंने 1,00,000 रुपया दिया, अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं 100 रुपया भी नहीं देता। वाओ वाओ, इसका नतीजा क्या होता है, वो भले अभी जो 1,00,000 रुपया दिया है उसका प्रत्यक्ष फल तो उसको मिल गया, सभी उसको मंदिर जाते हैं तो ये मंदिर इसने बनाया, ये मंदिर इसने बनाया, भगवान के नाम के ज्यादा उस भाई का नाम जपता है, तो प्रत्यक्ष फल तो हो गया, स्थूल रूप का कर्म स्थूल रूप में फल आ गया, लेकिन सूक्ष्म में क्या अभिप्राय क्रिएट किया, क्या भाव क्रिएट किया, मेरे कंट्रोल में अगर देने का पावर होता तो कितना नहीं देना भी सोचता था, 100 रुपया भी नहीं देना चाहता था, तो इसका भाव का रिजल्ट नतीजा अगले जन्म में क्या होता है, उनके पास बहुत सुविधा होता है, उनके पास सब तरह के भी कंफर्ट होता है, पैसा भी होता है, लेकिन वो पुण्य कर्म में हाथ लगाने जैसा मौका उसको कभी नहीं मिलता है, उसका पैसा कभी भी श्रेष्ठ कर्म में नहीं जाता है, जाना चाहते तो भी उसका हाथ पीछे हटाते हैं, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ता है, उसका कौन कंट्रोल कर रहा है, क्यों कंट्रोल हो रहा है, उसको देने की मन क्यों नहीं आ रहा है, उसका दिल देने में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, पिछले जन्म का बीज अभी पल के रूप में आकर के उसका कर्मों को भुगतान के रूप से उसको खींच रहा है। इसीलिए बाबा कितना सुंदर सिस्टम हमको लेके आ गया, किसी को भी पता नहीं चलता है कौन क्या भंडारे में डाला है, है ना, है ना। इसलिए बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे
मैंने दिया, ये संकल्प भी अगर दान कर दिया तो आपका पुण्य का करम जमा पहुंच जाता है। देखो आज आपको मैं एक कर्मों में और भी थोड़ा डेप्थ का नॉलेज आपको दे दिए। मनुष्य के कर्मों में कैसे स्टेजेस आता है आपको बता देता हूं। पहला होता है भाव कर्म, भाव कर्म कर्मास। पहला स्टेज होता है भाव कर्म। अगर आपने इस जन्म में कितने भी भाव किया होगा, जब से आप आत्मा गर्भ से आकर के दूसरा शरीर लिया, तब से आपने कितने भी कर्म का बीज बोया होगा, वो सब भी भाव कर्म में है। उसको अगर आप बदलना चाहे तो बदल सकता है, वो भाव कर्म का स्टेज में है। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी पुरुषार्थ नहीं किया, उस भाव को परिवर्तन करने का भी कभी सोचा नहीं, अपने को ही ठीक समझता था, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ दिया, तो पिछले किए हुए जन्मों का सब कर्म का बीज दूसरा रूप ले लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। कौन सा कर्म? भाव कर्म का स्टेज क्या हो जाता है? भाव कर्म का स्टेज क्या हो जाता है? द्रव्य कर्म। कब द्रव्य बनता है? इस जन्म में मैंने बहुतों के संबंध संपर्क में आता रहा, बहुतों के प्रति मेरा भावनाएं बहुत तरह से क्रिएट करता रहा, मैं कभी भी अपने गलती को महसूस नहीं किया, मैंने कभी भी अपने भाव को चेंज नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब आत्मा शरीर छोड़ दिया, जो जो भाव का बीज डाला है वो दूसरा रूप ले लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य का मतलब जो कर्म आपने पिछले जन्म में बीज के रूप में उसको डाला है, वो सब फल देने के लिए क्यों में खड़े होता है। इट इज रेडी टू गिव द रिजल्ट। जैसे आप एक जगह से, एक सुंदर सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके टैप में पानी आता रहा है, पानी आता रहा है, कहां से पानी आ रहा है? टैंक में। टैंक में जो जमा है वो सब भाव कर्म। आपको जो पानी बाहर देखने में आ रहा है वो सभी भी कर्म का फल में आ जाता है। वो स्टेज भी बता देता हूं, फिर ये क्लियर करता हूं। जो कर्म हमको देखने में आ गया, अनुभव में आ गया, उसको कहते नो कर्मा। नो कर्मा मतलब जीरो कर्मा, मना ये कर्म जो देखने में आया है वो कर्म चुप्त होने के लिए आता है। इट इज जीरो कर्मा, जो देखने में नजर में आ रहा है। जैसे टैंक में जमा है वो पानी क्या है? भाव कर्म। जो टैप में आपको देखने में, नली में देखने में आता है वो सब क्या है? नो कर्म, जीरो कर्म। जो बीच में पानी पाइप के द्वारा आ रहा है ना, अभी क्यू में है वो आने के लिए, वो सब क्या है? फ्लो। उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म जो कर्म फल देने के लिए क्यू में खड़े हैं वो सब द्रव्य कर्म। जो कर्म हमको देखने में आया है वो सब क्या है? जीरो कर्म, मना फल देने के लिए आया है। समझो आपको किसी ने गाली दिया, वो जो गाली दिया आपको देखने में आता है नहीं आता है, तो वो कौन सा कर्म है? जीरो कर्म। वो कर्म क्या देकर के जाने के लिए आया है? चुप्त होने के लिए आया है। ओके, ये व्यक्ति हमको अभी ऐसा वर्तन कर रहे हैं, उसका व्यवहार से हमको कुछ मिल रहा है, तो इसके मतलब है पिछले भाव में, भाव मतलब पिछले जन्म में हमने इस कर्म आने के लिए कुछ बीज बो के आ गया है, अभी वो फल आ रहा है। ये दोनों भी सही है, लेकिन
वो जब कर्म का फल हमारे सामने आता है तब हमने कुछ भी तोड़ा भी भाव को बिगड़ा तो क्या हो जाता है, ये जीरो करना फिर भाव कर्म में टाइप हो जाता है। मुझको किसी ने आकर के गाली दिया, अभी मुझे जागृत आ गया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये तो मेरा पड़ोसी मंजुनाथ को बोल रहा है, मैं इससे अलग हूं, मेरा गुणधर्म अलग है और इस प्रकृति मंजुनाथ का गुणधर्म अलग है, मैं अपने को अलग कर दिया तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि मैं कौन सा भाव में आ गया, आत्म भाव में आ गया। जैसे दुनिया में भी हिसाब होता है, करोड़ों रुपयों का हिसाब, उसी के साथ कुछ कैलकुलेशन, एक के साथ आप एक 10 0 0 0 लगाओ और उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही जब किसी का कर्म का फल मेरे पास आता है, मेरा पिछले कर्म का फल मेरे पास आता है, मैं आत्मा में आ गया, मतलब 0 से कनेक्टेड हो गया, 0 से कनेक्ट हो गया मतलब मेरा कर्म का फल क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए इसको 0 कर्म बोलते हैं। अगर वो 0 होते वक्त मेरा थोड़ा भी जो व्यक्ति निमित्त बना, मेरा कर्म का अकाउंट को क्लियर करने के लिए निमित्त बना, उसको दोषी देगा तो फिर मेरा कर्म भाव कर्म हो जाता है। समझ में आ रहे हैं आपको? एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, अब सबको लड्डू मालूम है ना, लड्डू क्या बोलते हैं, लड्डू ही बोलते हैं, तो घूमता रहता है, आपको लड्डू देखने में आता है घूम रहा है, लेकिन उसके पीछे रस्सी आपको मालूम है, विदाउट द हेल्प ऑफ रस्सी वो लड्डू घूम सकते हैं क्या, घूम सकते हैं? लड्डू देखने में घूम रहा है लेकिन इसका पीछे क्या है, कभी ना कभी किसका सहयोग मिला होगा, रस्सी का सहयोग, रस्सी अभी देखने में नहीं आ रहे, लट्टू क्या समझता है, मैं घूम रहा हूं, लेकिन लट्टू के पीछे क्या है, रस्सी का सहयोग। ऐसे ही कर्म का फल आपको देखने में आ रहा है वो लट्टू की तरह है, इसके पीछे सहयोग कहां कनेक्ट हुआ, रस्सी कहां कनेक्ट हुआ, पिछले जन्म में हमने बोया हुआ भाव का बीज, कौन सा बीज, भाव का बीज। समझ में आया? जब तक हम भावनाओं के ऊपर काम नहीं करते तब तक हम कर्मों से चुप नहीं पा सकते। मुरली जो आप हर रोज सुनते हैं उसमें बाबा क्या कर रहे हैं, एक बार बहुत सूक्ष्म रूप से देखो, हमारा भाव को परिवर्तन भी कर रहे हैं और कुछ नहीं। हर रोज मुरली में वरदान में भाव 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 आता है ना, क्या है वो भाव, वो भाव का मतलब हमारा फ्यूचर, हमारा डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर अच्छा होना है तो हमको क्या बदलना है, भाव को बदलना है, अभिप्राय को बदलना है, इंटेंशन को बदलना है। मैं आपको एक बात समझाता हूं, एक पेड़ है, वो पेड़ में बहुत मिठास का फल है, एक छोटा सा लड़का उस फल को खाने का इच्छा से एक पत्थर लेकर के वो पेड़ को डाला, वो अचानक वो पत्थर आपको लग गया, तो आपने क्या सोचा, कौन एक पत्थर को मारा, इधर उधर देखा, वो छोटा सा लड़का आपको नजर में आया, तब उसको आप दोषी समझते हैं या नहीं समझते, समझते हैं? उधर उधर व्यक्ति को ही दोषी समझा, आपने उस बच्चे के ऊपर चिल्लाया और उसको थोड़ा पीटा, कुछ भी किया, ये एक दृश्य। वही पेड़ के तरफ आप जा रहे थे, आपके सिर के ऊपर पत्थर गिरा, आपने देखा इधर उधर सब जगह कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, ऊपर ऐसे देखा तो एक बंदर है, क्या बंदर से झगड़ा करेंगे,
बंदर से क्या कुछ केस डालेंगे, बंदर को पकड़ करके उसको कुछ शिक्षा देंगे? नहीं, फिर भी आपको कुछ लोग वे भी नहीं छोड़ते, ए ए बोल करके उस पत्थर को लेकर के वो बंदर को मारना लग जाते हैं। उसने भी अपना कर्म का फल को स्वीकार नहीं किया। अब तीसरा सीन लेते हैं। आप वही पेड़ के तरफ से आ रहे थे, पेड़ के नजदीक पे आते थे, वहां एक पर्वत है, माउंटेन। वो माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा क्या है, पत्थर है, वो गिर गिर कर आकर के आपके सिर पर पड़ा। क्या सभी जाकर के उस पर्वत के साथ झगड़ा करेंगे? तो क्या समझेंगे उस वक्त, मेरा मेरा रंचार, मेरा टाइम, मेरा मेरा कर्म, ऐसे समझते हैं? वही कर्म का फल बच्चों के बच्चे से जो हुआ एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़ा अधूरा बंदर के साथ एक्सेप्ट किया, जब वो पर्वत से वो पत्थर गिरा तो अपना कर्म समझ करके उस पत्थर के प्रति कोई केस डालने की भावना रखा, उसको गाली देने का भावना रखा, उसको जाकर के थोड़ा मारे ऐसे कुछ आपने अभिप्राय रखा, क्रोध किया? नहीं, क्यों? उधर आपको व्यक्ति दोषी लगा, उधर आपको बंदर दोषी नहीं लग सकता और पर्वत दोषी नहीं लग सकता। ऐसे ही हमारा कर्म का फल व्यक्ति से भी आ सकता है, स्थूल सूक्ष्म रूप के चीजों से भी आ सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये मेरा ही कर्मों का फल है, जो निमित्त बना है वो केवल निर्दोष है। निमित्त को क्या समझना है? निर्दोष। मेरा कर्मों का फल देने वाला को क्या समझना है? निर्दोष। निर्दोष क्यों समझना है? निमित्त। समझो आपके घर में कोई पोस्टमैन आया, मेरे बात ठीक से सभी ध्यान से सुनी, आपके घर में कोई पोस्टमैन आया, आपको एक पोस्ट दिया, आपको पढ़ने नहीं आता है, उसमें बुरा खबरें भी हो सकता है या अच्छे न्यूज भी हो सकता है, अच्छे बातें भी हो सकता है। वो पोस्टमैन ने आपको बुरी कहानी बुरी बातें सुनाया जो पत्र में था, तो क्या आप पोस्टमैन को दोषी समझते? क्या समझते पोस्टमैन को? पोस्टमैन को क्या समझते? जस्ट डिलीवरी का काम किया समझते, निमित्त समझते, आपका भावना उसके प्रति बिगड़ता नहीं। तो ऐसे ही हमारे आत्मा पिछले जन्म यानी पिछले अवतार में जो कर्म का बीज बो के आया है, उसका रिटर्न देने के लिए एक कुदरत, एक ब्रह्मांड, एक कोई ना कोई रूप से हमारे पास किसी को पोस्टमैन के रूप में, कुरियर के डिलीवरी के रूप में, किसी ना किसी रूप से कर्म को चुप्त करने के लिए एक को निमित्त बनाता है। जब हमको ये जागृत रहता है, ये निमित्त है, निर्दोष है, तो हमारा कर्म कौन से बात में चले जाता है? जीरो। कौन से किस में चले जाता है? जीरो। अगर निमित्त को दोषी बना दिया तो हम भाव कर्म में फिर बंध गया, भाव कर्म में फिर बंध गया। इसीलिए किसी भी हालत में हम किसी को भी किस दृष्टि से नहीं देखना है, दोषी। देखो एक उदाहरण के तौर पर समझा, एक डॉल है, डॉल खिलौना, उसको की दिया जाता है, की मतलब क्या है, चाबी, की दिया जाता है। वो जब चाबी दे दिया तो वो अपना काम करता रहता है, कितना टाइम करता है, जब तक वो डिस्चार्ज हो तब तक वो काम करता है। बीच में जाकर के आप उसको रोकने का काम किया तो आपको होता है क्या, जो चार्ज हो गया है उसको बीच में जाकर के कंट्रोल करने का काम करता है तो वो रोकता है क्या? नहीं,
पूरा डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। फिर आपने दबाया तो फिर हो जाता है या नहीं? हमने भी ध्यान से सुनो, हमने भी कभी कभी किसी किसी को किसी ना किसी रूप से ऐसे की घुमा के आ गया, वो सब खिलौने के रूप में हमारे सामने, सास के रूप में, बहू के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, बॉस के रूप में, कोई ना कोई रूप से खिलौने के रूप से हमारा सामने खेल कर रहा है, समझो। हमारा कर्मों को डिस्चार्ज कर रहे, आप बहुत विज्ञान दृष्टि से देखो तो मजा आएगा खेल देखने के लिए। इसलिए बाबा इस ड्रामा को खेल कहते हैं। एक खेल है, हम फंस जाते हैं। मुझे क्यों हो रहा है? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुद्ध आत्मा हूं, उस जागृति से नीचे आ गए। कितने प्रकार के केस लगा के आया है, उतना उनों के द्वारा हमको क्या होता है? झंझट होता है। इतना उनों से हमका कर्म का हिसाब किताब भोगना पड़ता है। कोई भी चींटी भी आपको बिना हिसाब काटेगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, उसी रोड में जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कितना चींटी है, कितना चींटी है। अरे मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे हिसाब ही नहीं। कई लोग योग करते बैठते हैं, मैं देखता हूं ऐसे ही मस्किटो बैट लेकर के क्रिकेट मैच बैडमिंटन खेलता रहता है। किसी से पूछा, भाई जी क्या कर रहे हैं? तो बोलते मैं मस्किटो को मुक्ति दे रहा हूं, मच्छर को मुक्ति दे रहा, उसको मुक्ति दे रहे हैं। अब कर्म बंधन में आ पा रहे। कभी भी किसी भी जीव को भी हमारे तरफ से भावना नहीं बिगड़ना है। अगर आपके घर में ज्यादा मच्छर है, ज्यादा क्या बोले मक्खी है, ज्यादा चींटी है, ज्यादा क्या बोलते हैं कॉकरोच है, क्या बोलते हैं वो कॉकरोचेस होता है, तो उसका कारण यही है आपने उसके प्रति बहुत द्वेष भावनाएं इस प्रकृति में प्रकट किया है, इसीलिए आता है। एक माता जी मेरे पास आकर के बोला, भाई जी मैं कितना ट्राई करके करके कितनी तरह से वो क्या क्या होता है ना वो पॉइजन वो सब लगा के मुझे नाराज हो गया, ये तो चुनता ही नहीं। मुझे बहुत इसके प्रति भावना बहुत वाइल्ड भावना आ रही, मुझे क्या करना है भाई जी? मैंने बोला, माता जी आप एक हफ्ते खास 10 मिनट लेकर के जिस भी जीवों को आपने जाने अनजाने दुख किया है उससे आप क्षमा मांगना है। कैसे भाई जी? इतना ही करो, कोई भी जीव हो सकता है, वो चींटी भी हो सकता है या मनुष्य आत्मा भी हो सकता है, किसी को दुख देने का अधिकार हमको नहीं है। सत्युग में तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाबा हम बच्चों को इतने बातें समझाते, कभी भी बच्चों के प्रति भाव नहीं बिगड़ता है, क्योंकि बाबा सुख का सागर है। तो हमको किसने अधिकार दिया दूसरों को दुख देने का? ये हमने अपने गलत रास्ते ढूंढ लिया है। अगर आपके घर में जो चींटी है या कॉकरोच है या कोई ना कोई मच्छर है वो बहुत हो गया, तो आप 5 मिनट बैठ करके उस शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करो, यानी उसको SMS भेजो। जैसे मोबाइल में SMS भेजते हो वैसे SMS भेजो। कैसा भेजना है? हे शुद्ध आत्मा, जाने अनजाने पिछले जन्म में आपके प्रति मैंने द्वेष का भाव प्रकट कर दिया, आपको देख करके मैं तिरस्कार किया, अभी मैं अपने गलती को महसूस करता हूँ, मुझे क्षमा करो, इस दुनिया में आपके लिए बहुत जगह है, ये घर छोड़ के चले जाओ। ऐसे आप बोलते रहो तो वो सब चले जाएंगे। कोई भी जीव हमको तकलीफ नहीं देता है, भले पूरी हाल में मच्छर हो, पूरी हाल में चींटी हो, आपको काटेगा भी नहीं। मेरे वो अनुभव अपने आप को गर्व से कहता हूं। एक बार मैं वो एक हॉल में रहना का एक क्या बोलते हैं इंटेंशनली मना रहना ही है, ऐसा एक पेपर आया, उसमें बहुत मच्छर
सभी बोलता है पूरे रात अब सो नहीं सकते, तो मैंने कुछ भी भाव नहीं बिगाड़ा। मच्छर को भी अपना एक प्रेम भावना से उसको भी हम वाइब्रेशन दे दें, ऐसे सोच करके बाबा को याद करके वो पूरा हाल में एक वाइब्रेशन फैला दिया। ये मच्छर सभी भी शुद्ध आत्माएं हैं, ये किसी को भी काटने वाला नहीं है, मुझे किससे भी राग द्वेष नहीं है, ये सब भी प्रकृति से हमारे ही किए हुए कर्मों का फल के रूप में निकल के आया है। ये अगर मेरा काटेंगे तो मैं समझता हूँ मेरा शरीर उसके लिए एक पोर्टल बन गया है, पार्टी कर रहे हैं, हिसाब है तो चुप्त कर दे, अगर हिसाब नहीं आए तो चुप्त हो जाए। मैं उनको कभी भी दुख का भावना नहीं रखे, ऐसे मैं संकल्प करके सो लिया, एक मच्छर भी काटा नहीं। किसी से कुछ भी हमको रिटर्न में मिलता है तो समझो हमारा ही बीज है, कर्म का बीज। चाहे जीव हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्मा हो सकता है, चाहे पशु हो सकता है। एक कुत्ता भी आप देखते हो ना, उसको देख करके ऐसे भाव नहीं, मुझे कुत्ता तो देखने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं। हमने ही इस प्रकृति को बिगाड़ा है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले लो। सत्युग में कुत्ता होता है? कुत्ता होता है नहीं, मच्छर होता है, चींटी होता है, इधर कैसे प्रकट हो गए? मनुष्य जब सबको भी दुख देने का संस्कार उसमें आ गया, रावण का संस्कार उसमें प्रकट हो गया, उसी का एग्जाम्पल रूप में ये प्रकृति ने भी क्रिएट कर दिया, एक कुदरत में भी आ गया। देखो तुम जैसे सबको भी सूक्ष्म रूप से दुख देते हो ना, ऐसे भी बिना पता चले ये सब चींटी, ये सब मच्छर भी तुमको दुख देता है। तुमने किसी ना किसी जन्म में किसी का नींद को फटाया, नींद करने भी नहीं दिया, वैसे सूक्ष्म रूप से आपने उसको बहुत मानसिक रूप से दुख दिया, इसलिए मच्छर निकल के आकर के आपको नींद करने नहीं देता है। ये सब कर्म का फल है, ये सब कर्म की गुह्यता है। ऐसे नहीं सोचो कि मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये सब हमारा पिछले जन्मों का कर्मों का कहानी है। समझ में आए? जितना हम हर जीव मात्र, चाहे पेड़ हो सकता है, चाहे कोई कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, चाहे कोई किसी भी तरह की जीव हो सकता है, मंडक हो सकता है या कॉकरोच हो सकता है, उन सबको भी इसी नजर से देखो, शुद्ध आत्मा है, वो मुझे कभी दुख नहीं देता है, वो आया है तो शान से चले जाएगा, उसको मैं कभी भी मारना नहीं, ना मैं उससे दुख का वाइब्रेशन लू या मैं उसको दुख का वाइब्रेशन दू, ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प करो। बाबा कहते इस दुनिया का रक्षक, इस दुनिया का आधार मूर्त, इस दुनिया का डबल अहिंसक आप बच्चे हैं, तो किसने अधिकार दिया इन जीवों का जान लेने के? जब उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते तो कैसे उसको हम मार सकते? एक बार सोचो गहरी रूप से। हम सभी इस दुनिया में एक कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? अपने शुद्ध आत्मा के जागृति में रहना। लेकिन इस कुदरत में एक हिसाब किताब क्रिएट होता है, वो कैसा होता है वो आपको और बातों से मैं स्पष्ट करता हूं। हम सभी जितना कर्मों की ज्ञाता बनते हैं तो कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचते हैं। सारी दुनिया में हर एक का हिसाब किताब किस में मेंटेन किया जाता है? अगर एक फैक्ट्री हो, एक कंपनी हो, एक बड़ा बिजनेस हो, तो वहां कई तरह के अकाउंट्स होता है, वो सब किस में मेंटेन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बोलिए,
मेरे बात समझिए, एक कंपनी होता है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का कई बिल्स होता है, परचेस डिपार्टमेंट का बिल्स होता है, सैलरी का बिल्स होता है, वो सब किस में डालते हैं? ओके, वो तो कंप्यूटराइज के बाद नहीं बोल रहा हूँ, बिल्स होता है वो किस में डालता है? हाँ, फाइल्स। किस में डालता है? फाइल्स। हमारा जीवन में भी वैरायटी फाइल्स होता है, आज आप सुनेंगे उस फाइल्स की कहानी। हम सब आत्माएं इस शरीर से तब पूरा निर्बंधन थे, हमारे लिए कोई फाइल नहीं थे। जब आत्मा ब्रह्मांड के कनेक्शन में आ जाता है तो पहला फाइल होता है फाइल नंबर वन। फाइल नंबर वन यानी ये शरीर। ये शरीर को क्या कहा जाता है? फाइल वन। फाइल वन माना क्या है? बॉडी। फाइल वन क्या है? बॉडी। हमारा आत्मा का हिसाब के अनुसार ही शरीर मिलता है। कोई चुन के आता है, मैं गोरा रहना है, मैं काला रहना है, मैं मोटा रहना है, मैं पतला रहना है, मैं गिड्डू रहना है, कोई चुन के आता है क्या? चॉइस है क्या? आपको पूछ के आता है क्या? ये सब प्रकृति का क्रिएशन कैसे आए? कैसे आए? एक एग्जांपल बता दो, कई लोग बहुत मोटापा में रहता है, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट ओबेसिटी, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कभी किसी को डिमांड किया क्या मुझे इसे ओबेसिटी में रहना है? वो कैसा होगा? एक साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा, एक महिला था, उसका वजन 150 केजीस, 150 केजीस, उसको सब तरह से जीवन में जो चाहिए वो सब है, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रह सकता उसका शरीर का बोझ के कारण। तो उसने सब तरह से भी जानकारी लेते गया, जानकारी लेते गया, और ये जो ये होता है ना, जो पोस्ट लाइफ के कई इसमें लेके जाकर के उसको बताता है उसका प्रॉब्लम, हाँ, पोस्ट लाइफ के कुछ हिप्नोटिज्म कुछ करते हैं, तो उसमें लेके गया, तो उसमें पता चला पिछले जन्म में वो महिला बहुत बड़ा एक एथलेटिक थे, यानी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी एक एक चैंपियन थे, लेकिन उसमें एक आदत था, जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स कंप्लीट करके आते हैं, एक महिला को देखते थे, वो बहुत मोटा था, उसको देख करके वो बहुत हंसते थे, उसको देख करके वो बहुत मस्ती करते थे, उसके प्रति बहुत एक तरह तिरस्कार की भावना करते थे। वो महिला को बहुत मन को दुख होता था, वो अंदर ही अंदर रोता था, वो अंदर रोते 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 अपने आप को बहुत गिल्ट फील करता था, मैं क्यों ऐसे पैदा हो गया, भगवान मुझे ऐसे क्यों हो गया, मेरा शरीर क्यों इतना वजन है। तो इसी का रिजल्ट वो महिला को क्या मिला? इसी का रिजल्ट वो महिला को क्या मिला? मोटापा। इसीलिए बाबा आपको बहुत सुंदर बात बता दिया, कोई भी नाम में रूप में फंसना नहीं, देखना है तो देखो, केवल आत्मा को देखो, शुद्ध आत्मा को देखो, ये काला है, गोरा है, पतला है, ये लंबा है, ये मोटा है, गिट्टू है, ये देखने में खूबसूरत है, देखने में इतना अच्छा नहीं, ये सब क्या है, इसका बाल इतना जल्दी क्यों सफेद हो गया, ये कौन सी ब्यूटी का बनने जाता है, इतना खूबसूरत लगता है, ये कौन सा सेंट लगाता है जो हमेशा इसके पास जाएंगे तो आपको अच्छा लगता है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? देह के बंधन में बांधना। भगवान का एक महावाक्य आप सबको सुनाता हूं, संगम युग में जो इतने खूबसूरत नहीं होता है वो भी भाग्यवान है, क्योंकि उसके तरफ कोई आकर्षित नहीं होता तो कर्म ही बनता नहीं। संगम युग में जो गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास होता है, वो भी भाग्यवान है, उसको परमात्मा सेवा करने का समय मिलता है, जिसके पास बहुत करोड़ों रुपया होता है वो संभालने में ही वो कर्म में चले जाता है, भगवान का काम करने के लिए योग्य नहीं है। ये लॉटरी है, हमको मिला है मिडिल क्लास लाइफ, क्योंकि बाबा हमारे लिए
अगर आप कोई लखपति करोड़पति या कोई अंबानी या कोई लक्ष्मी मित्तल या कोई बिल गेट्स के जमाने में आ गए तो आप यहाँ आकर के ये बट्टी के लिए टाइम ले सकते थे, अपने कर्मों की कहानी सुन सकते थे, आप अपने को परिवर्तन करने का संकल्प कर सकते थे। नहीं, हर चीज में हमारा वाक्य है, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर हमको चुना है। दादी प्रकाशमणि, कोई बहुत देखने के लिए काला होता है तो बहुत प्यार से बुलाता था, आओ श्याम सुंदर आओ। दादी का वो प्यार सबको खींचता था। इसका मतलब ये है हम सभी आत्माएं कर्मों को बहुत गहरे रूप से समझो। 5.1, हम अभी जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका कारण हम हैं। हमको कोई भी बीमारी आ रहा है उसका कारण हम हैं। हमको कोई कितना भी नजदीक हो हम उसको शेयर कर सकते हैं अकाउंट को, या अकाउंट को शेयर कर सकते हैं? नो, क्योंकि आत्मा जब शरीर में आता है तो ये शरीर है किस लिए? भोगने के लिए, भुगतने के लिए। हम सबको ये नॉलेज फिट हो गया, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, फिर भी शरीर क्यों मिला? हिसाब के कारण मिला, भुगतने के लिए मिला ये शरीर। ये फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 पहले आपको बता देते बाद में क्लियर करते। फाइल नंबर 2, वाइफ हस्बैंड, पति को पत्नी, पत्नी को पति, फाइल नंबर 2। ये जैसा कि गम पेस्ट है, इसको कहते हैं आप निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकते। आपके पड़ोसी का प्रॉब्लम है तो आप भाग सकते, आपके शहर का प्रॉब्लम है तो शहर छोड़ सकते, देश का प्रॉब्लम है तो देश छोड़ करके भाग सकते, लेकिन पति पत्नी का प्रॉब्लम है तो कहा है तो भी गम पेस्ट जैसे अटक जाते। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड हम सब के लिए कौन सा फाइल है? फाइल नंबर 2। ये सब हिसाब किताब से मिलता है। इस हाल में बहुतों को बहुत फाइल्स होता है, वो भी पूछता। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3, 4, 5 कितने भी हो सकता है, वो आपके बच्चे। और फाइल नंबर 6, फाइल नंबर 7, शरीर को जन्म दिया हुआ माता पिता, मदर फादर। और 8, 9, 10 ये हो सकता है आपके कंपनी वाले आपको जो पैसा लेकर के वापस नहीं देते हैं, जो आपको कहा भी शांति में रहने नहीं देते हैं, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो बीच में आकर के विघ्न डालता है, या आप रास्ते में जा रहे हैं आकर के आपको धक्का मार के आपको एक्सीडेंट कर दिया, कोई ने आकर के फ्रैक्चर कर दिया, कोई ने आकर के। एक कहानी होता है, एक बार एक व्यक्ति को भूख लगा, वो एक केला खाते हैं, एक केला खा के वो चीखे को ऐसे रोड में डालते हैं, वो चीखे को रोड में डाला तो तुरंत बिजली चले गया, करंट चले गया। आप वो सब उसी टाइम में वहां जाते थे, जाकर के उस चीखे को आप उसके ऊपर पाव रख करके घिस के आप गिर गया, आपको फ्रैक्चर हो गया। तो क्यों निमित्त बना? क्योंकि डॉक्टर्स के साथ आपका अकाउंट था, वो क्लियर करने के लिए वो व्यक्ति निमित्त बनना था। किसको दोषी बनाएंगे, किसको दोषी बनाएंगे? हर रोज डॉक्टर और पेशेंट दोनों भी भगवान को याद करते, पूजा करते। पेशेंट कहते हैं भगवान मुझे बीमारी ना आए ऐसे मुझे वरदान दो, और डॉक्टर कहते हैं भगवान मेरे क्लिनिक में बहुत पेशेंट आ जाए। किसको किसको भगवान सेटिस्फाई कर सकता है? कोई भगवान भी हमारे चरण में एंट्री नहीं होता है, ये हमने किए हुए कर्मों का रिजल्ट में निमित्त बनता है। भगवान कभी कर्म में नहीं एंटर होता है। आप बाबा को ये मत कहना कि बाबा मुझे मदद करो मदद करो, बाबा मदद करने नहीं आया, अपने ऊपर मदद करने के तरीका सिखाने के लिए आया है। बाबा को भी मदद नहीं कर सकता इस बात में।
कहीं माता ये बाबा के पास एप्लीकेशन डिमांड और एक तरह की लेटर रखते हैं, बाबा अगर आप मुझे एक काम करा दो ना, मैं आपको भोग लगवाऊंगा, बाबा मेरे बच्चे को शादी जल्दी हो गया तो ना मैं डेली क्लास में आऊंगा, बाबा मुझे इस बंधन से छुड़ा दिया जाना, मैं आपके लिए कुछ पैसा सेवा में दे दूंगा। क्या भगवान के लिए हमको रिश्वत देना है? भगवान कभी इस बातों से प्रसन्न नहीं होता। अगर उस समय भी आपका कुछ काम हो रहा है तो वो आपका पुण्य कर्म के आधार से हो रहा है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले देखेंगे फाइल नंबर वन क्या है, बोलो बोलो शरीर। फाइल नंबर टू पति पत्नी, पति को पति, फाइल टू पति को पत्नी, फाइल टू। और बच्चे, कितने बच्चे उतना फाइल में, इस हाल में कितनों को, कितनों को, डजन बच्चे हैं, ओके, कितनों को पंच पाड़ो है, हाथ उठा, पांच। देखो देखने में आता है, पहले जमाने में बारह बारह होते थे। कितनों को चार है, ओके, कितनों को तीन है, ओके, कितनों को दो है, ओके, कितनों को एक है, ओके, कितनों को जीरो है, वो है हीरो, उसी को बाबा कहते हैं कुमार, मतलब जीरो फाइल, उनको ज्यादा फाइल नहीं होता है, इसीलिए बाबा कुमारों को कहते हैं मुझे भी आप प्यार लगते, वो माया को भी आप ही प्यारा लगते हैं। कुमार कुमारियों को ये बंधन नहीं होता है। बाबा कितने अच्छी मुरली में समझा, एक बार बच्चे है तो स्कूल सभी रेडी करना है ना, फीस भरना है ना, उसका काम आप करना है ना, वो काम आपको अभी करने का नहीं है ना, क्योंकि भगवान आपके लिए क्या बन गया, ऐसा साथी बन गया जो खाता नहीं पीता नहीं कुछ भी हमसे लेता नहीं लेकिन हमको सब कुछ करता है, वो है भगवान। सो फाइल वन का मतलब बॉडी, फाइल टू मना पति पत्नी, फाइल थ्री फोर फाइव बच्चे, और फाइल सिक्स अपने शरीर का मात पिता। जिसको बच्चे नहीं होते हैं, जिसको पति पत्नी नहीं होते हैं, उसको फाइल वन टू थ्री होता है। जैसा मेरा केस में ये शरीर मेरा फाइल वन है, और शरीर का माता पिता होने के कारण मेरे कितना फाइल है, तीन फाइल है। ये तीन फाइल भी हमको ऋण मुक्त होने तक नहीं छोड़ता है, जितना तक हिसाब होता है वहां तक हम उनके साथ रहना पड़ता है। आप कहा ना कहा भाग गया तो भी उसके भाव आपके लिए बिगड़ गया तो नेक्स्ट जन्म में किसी ना किसी संबंध से वो फिर हर आकर के आपसे अटक जाता है। इसीलिए कर्म का बंधन को छूटने के लिए बंधन को संबंध में परिवर्तन करके खुशी खुशी से उसको चुप्त करना है। ऐसे नहीं समझना बाबा मुझे क्यों ऐसा पति मिला है, बाबा ऐसा क्यों मुझे पत्नी मिला है। पहला कैसा लगता है पति पत्नी का संबंध, कैसा लगता है, कैसा लगता है बताओ, ये पति पत्नी का संबंध का बारे में बताओ, जैसे बबल गम होता है, बबल गम पहले जाने में कैसे होता है, खाने में मिठास, बहुत मीठा टेस्ट, एक साल दो साल तीन साल टेस्ट, वो चबाते 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 थोड़ा थोड़ा पीका लगता है, पूरा पीका लगता है तो उसको फेंक दे ऐसा लगता है, लेकिन फेंक नहीं सकते। किसी ने मुझे पूछा है कुमार ने, भाई जी इसमें भी थोड़ा सुख मिलता है ना भाई जी, मैंने बोला हाँ सुख मिलता है, कितना मालूम, कभी आपको इचिंग होता है, क्या बोलते हैं, गुजली, गुजली गुजली होता है तो उधर हाथ रख करके इसे करने में मजा आता है, करने के बाद उधर क्या होता है, जलन होता है, इतना ही सुख है। करते वक्त कैसा लगता है, करते वक्त कैसा लगता है, आनंद आता है, उसमें हाथ डालते ऐसे लगता है वो संबंध में फंसे, बाद में उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, जलन।
कितने भी बाबा के बच्चे हैं ना, वो सब हमको आकर के बोलता है, भाई जी आप तो कुमार के जीवन में बाबा को पा लिया, हमको भी मिलता तो कितना अच्छा था। मैंने बोला आप उतना ऐसे अच्छा करो क्यों नहीं किया, अभी तो करो, शायद नेक्स्ट जनरेशन में तो आपके पास नहीं आएगा, कलप को तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन नेक्स्ट तो चेंज कर सकते। जिसके साथ भी फाइल्स ज्यादा होता है उसका कारण यही होता है, एक होता है राग, दूसरा होता है द्वेष। किसी को ज्यादा फाइल्स है तो ज्यादा राग द्वेष है, जिसके साथ ज्यादा राग लगेंगे उतना फाइल्स क्रिएट होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जीवन में किसी के लिए भी राग द्वेष मत रखना। राग ऐसा चीज है जो हमको पहला खींचता है, आपके कंट्रोल में ले लेता है, वो लेने के बाद लास्ट में हो जाता है द्वेष। कोई किसी को आदर्श जीवन जीने वाले पति पत्नी दंपति बोलते हैं, पहले सभी बोलते हैं देखो ना ये पति पत्नी होना तो ऐसा होना है, कितना अच्छा है, कहते हैं एक साल के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। क्यों? पहला राग, वो राग अतीत हो गया तो द्वेष में परिवर्तन होता है। राग को द्वेष बदलने वाला होता है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। किसी के साथ राग फिर वो द्वेष में कब बदलता है? एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा। समझो एक एग्जाम्पल दे, अभी प्रकाश भाई हमको बहुत प्यार से निमंत्रण दिया सेवा का मौका बनाने के लिए, बाबा के सेवा के निमित्त बना। हम प्रकाश भाई के प्रति राग रखते हैं, ये भाई इतना अच्छा है ना, मेरे लिए सब कुछ करता है, क्यों ना मैं उनसे ए पूछूं, ओ पूछूं, ये उससे एक्सपेक्ट करूं, वो इससे एक्सपेक्ट करूं, ऐसे एक्सपेक्ट करते गया, अपेक्षा रखते गया, मुझे मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? मेरे से हटते जाएगा। जब मेरे से हटते जाएगा तब मैं क्या क्रिएट हूं? ये प्रकाश भाई तो अच्छा है ही नहीं, किसका भूल है, किसका भूल है? पति पत्नी में ऐसा होता है, पहले होता है तेरे बिगड़ जीना मुश्किल है, तू नहीं तो मैं जी नहीं सकता, ऐसे राग में बांधते हैं और एक्सपेक्ट करता है मुझे बर्थडे का डेट आप ही जानकर के गिफ्ट देना, मेरे को पहले ये काम कराना, मेरे लिए ये करना, एक या दो या तीन। इस संसार में कोई नहीं हो सकता है जो 100% सबको सेटिस्फाई कर सकता है। अगर सेटिस्फैक्शन करना है तो वो एक ही एक ही एक ही है, वो है मेरा बाबा जो कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। इसलिए बाबा बहुत सुंदर बात कहते, सर्व संबंधों का रस मेरे से मिल, किसी से नहीं लेना, चाहे वो बहुत हल्का संबंध हो, पोता पोती का भी हो, वो भी छोड़ना नहीं है, बाबा से लेना है। तब भी आप कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं, नहीं तो कर्म आपको छोड़ता नहीं। ये है कर्मों का कहानी। हम किसी के साथ भी कर्म में फंसते हैं तो राग द्वेष के कारण। किसी ने आकर के आपको महिमा करता है, सुनो इधर, किसी ने आकर के आपको महिमा करता है तो क्या हो जाता है? पूरी जैसा हो जाता है। और किसी ने आकर के आपको आरोप लगाता है तो चपाती जैसा हो जाता है, ना पूरी बनो ना चपाती बनो, आटे बनो। आटा मालूम है ना, आटा का कैसे रहता, अपना क्वालिटी में रहता है, वो ना उबता है ना ना मुरझाता है, वो ना पूरी भी बनता है ना मुरझाता है। किसी ने आकर आपको कहा बहन जी आप कितने अच्छे हो, तो अंदर हाँ मैं इतना अच्छा हूँ क्या, ये लड्डू ले ले गया
तो जरूर फिर उसके साथ कर्म का हिस्सा बनता है, आपको फिर भोगना पड़ेगा। अगर कोई ने वैसा महिमा किया तो आप हंसते हंसते बोले उसको बोलो हाँ हाँ बोलो, लेकिन अंदर की भावना चेक करो, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो किसको हो रहा है, मेरा पड़ोसी का महिमा हो रहा है, मेरा महिमा तो परमात्मा करता है, इस दुनिया का महिमा कभी भी मेरे साथ नहीं चलता है। ऐसे अंदर भावना जागृत कर दिया तो आपका कर्म हिसाब नहीं बनता है। अगर अंदर ही अंदर किसी का महिमा का लड्डू खा लिया, एक दिन वो ही आपके लिए क्या बन के आ जाता है, बाधक बन के आ जाता है। चाहे पिछले जन्म में नहीं इस जन्म में, कई आकर के बोलते हैं हम तो इनसे पहले कितना अच्छा था, आजकल पता नहीं हमको देखते ही वो ऐसे मुंह फिराते हैं। क्यों फिराता है? क्योंकि आपने उसके महिमा का लड्डू ज्यादा खा लिया। जो ज्यादा लड्डू खाता है, मीठा खाता है, एक दिन दांत क्या होता है, दुखता है नहीं दुखता है? सेम, एनीथिंग एक्सट्रीम डेफिनेटली विल गिव यू द रिजल्ट। इसीलिए हमारा प्यारा बाबा ने बोल दिया, बच्चे आप अपने स्वमान में रहो तो किसी के पीछे जाकर के आप क्या नहीं बनते, भिखारी नहीं बनते, आप अधिकारी हो भिखारी नहीं। इसका कहने का भाव यही है, हमारा जीवन में राग द्वेष का जन्म नहीं देना है। अगर राग द्वेष का जन्म दिया जरूर क्या होता है, कर्मों का। समझ में आया सभी को? हाँ जी बोलो। हाँ, क्योंकि आपको बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बटन दबाना पड़ेगा ताकि आप फिर से एक्टिव हो जाना है। तो समझो, अभी बोलो फाइलों को ज्यादा क्रिएट करें या फाइलों को समाप्त करें? समाप्त। आज आपको वो एक्सपेरिमेंट भी दिखा देंगे कैसे वो फाइलों को समाप्त करें। कभी भी जीवन में कोई भी कर्म हमारे पास आता है, पुण्य पाप के हिसाब से आता है। बहुत गहरी बातें मैं सुना रहा हूं। कई लोग पूछते हैं, भाई जी वो तो इतना धोखेबाज है, वो तो इतना क्या कहे, कंजूसी है, नालायक है, उसको सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बहुत प्रामाणिक रूप से चल रहा हूं, मैं बहुत सच्चाई से चल रहा हूं, फिर भी मुझे क्यों ऐसे हो रहा है? ऐसे जीवन में सभी को ये प्रश्न उठता ही नहीं उठता है, उठता ही नहीं उठता है। लेकिन उठता है तो इस कॉर्मिक लॉ के ऊपर क्या बात है वो आपको सुनाता हूं। सभी पहले सुनो, बाद में आप लिख सकते हैं। एक संसार में कर्म का फल चार रूपों में बांटा जाता है। कर्म का फल चार रूपों में बांटा जाता है। पहला होता है पुण्यानुबंधे पुण्य, दूसरा होता है पापानुबंधे पाप, तीसरा होता है पुण्यानुबंधे पाप, चौथा होता है पापानुबंधे पुण्यानुबंधे पुण्य, पापानुबंधे पाप, पुण्यानुबंधे पाप, पापानुबंधे पुण्य। चार तरफ से कर पाता, पुण्यानुबंधे पुण्य, पापानुबंधे पाप, पुण्यानुबंधे पाप, पापानुबंधे पुण्य, ये चार वेरिएंट्स। पहले आपको समझाऊंगा
पापानुबंधे पुण्य, इसका मतलब, इसका मतलब अभी अभी जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है फिर भी उसके जीवन में अच्छा ही हो रहा है, उसके जीवन में सफलता मिल रहा है, आप समझते हैं ये व्यक्ति तो इतना पाप कर रहा है फिर भी इसको कैसे अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको ये सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट की पहचान नहीं, अभी जो वो कर रहा है वो बीज बो रहा है, लेकिन अभी उनको जो जो सफलता मिल रहा है वो अभी के कारण से नहीं, पिछले पुण्य के हिसाब से उसको सब अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य जहां होता है, आप सब ध्यान से सुनो, कोई भी काम होता है तो पुण्य के हिसाब से होता है, जिसके पास पुण्य बहुत जमा हुआ है उसको कहां भी हाथ रखे तो काम हो जाता है। जब कोई भी काम करते वक्त वो सफलता नहीं मिलता है तो जरूर हमारे खाते में अभी कौन सा अकाउंट का रिजल्ट आ रहा है, आप उस समय क्या करना है, बहुत योग लगो, बहुत भट्टी करो, बहुत बाबा की सेवा करो, या अपने पास जो भी है बाबा के जगत कल्याण में अपना तन मन धन लगाओ, तो आपको वो पाप का हिसाब से पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। जब पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है तो कर्म का बंधन टूट जाता है, ये सीक्रेट है। मेरे जीवन में मैंने बहुत अनुभव ऐसे किया है, मुझे पहले पहले एक नौकरी जो जॉब होता है ना, मैं आपको कल शाम पूरा अनुभव बताता हूँ, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को जब भी मेरा जॉब नौकरी मुझसे टूट जाता था, मुझसे छूट जाता था, मैं दूसरे नौकरी के लिए बहुत भागना या बाबा के पास रह करके रोना, या जो मुझे नौकरी से निकाला है उसके प्रति भावनाएं बिगाड़ना, ऐसे नहीं करता था। मैं दो ही काम करता था, मुरलियां बहुत लेकर के स्टडी करता था, या छोटी छोटी सेंटर में जाकर के क्लासेस योग करता था। एक पांच दिन तक वैसा करता था, कोई ना कोई मुझे आकर के नौकरी दिलाने में निमित्त बन जाता था। कैसे बनता, कैसे बनता, जब पुण्य कम है सफलता नहीं मिलता, जब पुण्य का लेवल बढ़ गया तो आपको सब काम आसान से हो जाता है। ये कर्मों की लीला है, आप किसी को देख करके ये मत समझना इसको क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ करते भी इनको सब अच्छा होता है, मैं इतना हॉनेस्ट होते भी मुझे क्यों नहीं होता, क्योंकि आप इसको जानता नहीं। जो व्यक्ति को अभी सब काम हो रहा है, अभी वो पाप कर रहा है फिर भी वो सब तरह से उनको अच्छी तरह से मिल रहा है, इसको मतलब क्या है, क्या है, पुण्यानुबंधे, सॉरी पापानुबंध, हाँ पुण्यानुबंधे पाप, पुण्य के कारण रिजल्ट अच्छा है, अभी कौन सा अकाउंट जमा हो रहा है, पाप। दूसरा होता है पापानुबंधे, इसका मतलब क्या है, अभी ऐसा निर्गत जीवन में है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मजदूरी से पैसा मिलता है, किसी से इज्जत नहीं मिलता, सबसे गाली मिलता है, बुद्धि बहुत पत्थर जैसा है, नालायक है कोई भी काम के लिए नहीं, लेकिन अंदर भावना है, हे भगवान मैंने किए हुए पापों को मैं अभी फल भोग रहा हूं, मैं अच्छे काम में अपने को रखे, दूसरों को दुख ना दे, किसी का मन को मैं अशांत ना करे, मेरे से कुछ ना कुछ अच्छे काम हो, ऐसे भावना रखता है। तो अभी वो क्या जमा कर रहा है, पुण्य, अभी उसका रिजल्ट जो देखने में आया है वो किससे कनेक्टेड है, पिछले जन्म का पाप। तो कौन सा कैटेगरी में आ गया, पापानुबंधे पुण्य, समझ में है, समझ में है। तीसरा होता है पापानुबंधे पाप, बहुत खतरनाक डेंजर, पहले पाप किया है उसको हाथ नहीं पांव नहीं, ऐसे वालों को देखा है, देखा है, फिर भी क्या करते हैं पता, पैसा जो मिलता है ना उससे बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बुरे काम में लगाते हैं, पान फराक डालते हैं, चोरी करने में मदद करता है, किसी को कुछ गलत काम में सहयोग देता है, तो इसका मतलब कौन से अकाउंट में जा रहा है, पापानुबंधे,
ये हो गया ना, और अभी लास्ट है पुण्यानुबंधे पुण्य, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे नहीं कि पूरा लक्ष्य लक्ष्य मिल गया, लेकिन खाने के लिए तकलीफ नहीं, सोने के लिए तकलीफ नहीं, अपने जीवन के आवश्यकता के अनुसार मिला है ये पुण्य का हिसाब से, और आगे आगे के लिए पुण्य जमा करने का भी जीवन मिला, वो सब है पुण्यानुबंधे पुण्य। अभी मुझे बोलो कौन कौन पापानुबंधे पाप में आते हैं, हाथ उठाओ देखेंगे, कौन कौन पुण्यानुबंधे पाप में आते हैं, हाथ उठा, कौन कौन पापानुबंधे पुण्य में आते हैं, हाथ उठा, कौन कौन पुण्यानुबंधे पुण्य में आता है, उठाओ जोर से। हम जैसे पुण्यात्मा इस संसार में नहीं, हमको बाबा मिल गया है रे, पुण्य का खाता बढ़ाने वाला सबसे बड़ा अकाउंटेंट मिल गया हमको, हम पुण्यात्मा है। जाति दान की कहते हैं सफेद कपड़ा काली जो विश्व महाराजन, ये है पुण्यात्माए, पुण्यात्माएं। ऐसे नहीं समझो हमारे पास तो कार नहीं, हमारे पास तो बैंक में अकाउंट नहीं, हमारे पास तो कोई नकलीस नहीं, ऐसे नहीं। आपको अच्छा बुद्धि मिला, कौन सा बुद्धि, परमात्मा को पहचानने का बुद्धि, आपको कम से कम जीवन चलाने के लिए जीवन निर्वाह के लिए काम पर पैसा मिल जाता है, किसी ना किसी का सहयोग मिल जाता है, आप अगर इधर आकर के बैठ करके ये ज्ञान का अमृत ले रहा है तो ये पुण्य नहीं तो क्या। दुनिया में ऐसे वाले हैं जो इधर पाव रखने के लिए डरते हैं क्योंकि उसके पास पुण्य की खाता ही नहीं। हम सब पुण्यानुबंधे पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य भगवान के पास लेके आया है, हर रोज हमको पुण्य आत्मा बनने का लक्ष्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, हमारे द्वारा प्रकृति पावन बनता है। आज की मुरली में आपने देखा लास्ट स्लोगन में जो इस संसार को सकाश देता है वो सब समस्याओं से दूर हो जाते हैं। कल हमने किया या नहीं किया, हमने जो होमवर्क किया वो हमारा टीचर चेक किया तो हम पास हो गया ना। अगर बाबा के नजर में नहीं तो वहां वाक्य ऐसे क्यों आता था। मुझे बहुत खुश हो गए, कम से कम हमने आपको जो काम दिया था उसको हमने क्या किया, होमवर्क किया। तो हम सब कौन से आत्माए, पुण्यानुबंधे पुण्य। तो कभी क्वेश्चन नहीं रखो कि ये इतने पाप करके भी इसको सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है, आज से वो बात खत्म करना है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे ये सब खत्म। ओनली क्या है, पुण्य को जमा करना, क्या जमा करना, पुण्य को जमा करना। तो हमसे भाग्यवान आत्मा कोई नहीं होता है क्योंकि पुण्य का कुंजी, पुण्य का ताला, पुण्य का चाबी, पुण्य का भंडार, पुण्य का खाता जमा करने का विधि हमको भगवान ने बताया। जो काम सब ध्यान से सुनो, जो काम निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निष्काम सेवा, सभी मेरे साथ बोलो, निष्काम, निस्वार्थ, निमित्त, निर्माण, ये चार है तो पुण्य, ये चार है तो पुण्य है। कुछ भी उसके प्रति एक्सपेक्टेशन अपेक्षा है गया, पुण्य की खाता से छूट गया। आपने 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया भंडारे में डाला, 10 लोगों को जाकर के बोला मैं तो 1000 डाला, आपने कितने डाला, चले गए आपका पुण्य, चले गए आपका पुण्य। अंदर की भावना एक परमात्मा को पहुंचता है, पुण्यानुबंधे पुण्य। आपको एक अद्भुत रहस्य भी बताता हूं, सभी तो टके हुए नहीं ना, हैप्पी हैं, खुश हैं,
अच्छा एक थोड़ा मुझे रब करके दे शिवम कुर्सी थोड़ा और इधर कर दो इधर ये वाले सोफे के वक्त है इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं कर्मों का गुह्यता को जानो कर्म का विज्ञान को जानो। मैं यहाँ आपको ज्ञान देने नहीं आया, मैं केवल विज्ञान को बताने आया। ज्ञान आपके पास बहुत भरपूर है, एक एक भी इधर ज्ञान गंगाएं, लेकिन विज्ञान कर्म के पीछे विज्ञान नहीं जानते अंदर परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए बाबा कहते केवल पुरुषार्थी नहीं बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। सुनाए पॉइंट, पुरुषार्थी मतलब ज्ञान को समझने वाले, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात ज्ञान के साथ विज्ञान को समझने वाले परिवर्तन में आगे बढ़े। हमारा कर्म का हिसाब इतना खुशी होता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम X, दूसरा व्यक्ति का नाम Y। ये दोनों भी मिलकर के एक बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस में सफल हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी बन जाता है। एक दिन X को बुद्धि लोभवश, लोबांध बोलते हैं, कौन सा अंध, लोबांध। वो लोभवश क्या करते हैं, ये वाई को धोखा दे करके उस कंपनी से उसको हटा देते हैं, पूरा कंपनी का पावर ऑटोनॉमी उसके हाथ में लेते हैं। और वाई बाहर आने के बाद उसको बहुत मुश्किलें फेस करना होता है। पहला मुश्किल, वो मन से बहुत रोदना करके 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 उसका शरीर बीमार हो जाता है, उसके बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है, उस घर के शांति बिगड़ जाता है और उस परिवार के सब सदस्यों का दुख बढ़ जाता है। और एक दिन वो वाई व्यक्ति मर जाता है। ये एक्स व्यक्ति जो है, जो उसको घर से हटाया, वो क्या करता है, वो कंपनी के पैसे से बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलता है, बहुत लोगों को फ्री सर्विस देते हैं। क्या सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस देते हैं। और समझते हैं मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे से बहुतों का भी क्या हो रहा है, उपकार हो रहा है। ऐसे समझ करके वो पूरा जीवन बिता करके एक दिन मर जाता है। अब दोनों का भी मिलन मिलाप एक तरह से आ जाता है। और जो व्यक्ति पिछले जन्म में जो एक पाप किया, मना मेरे बात समझो, एक भूल किया पाप, 99 कर्म पुण्य किया, क्या एक भूल उसको छोड़ेगा क्या? 99 पाप एक कर, सॉरी एक पाप 99 पुण्य। अभी बोलो अकाउंट में कुछ वेरिएशन होता है, नहीं होता है, क्या होता है? इसने बहुत सूक्ष्म बात, 99 अच्छे काम किया ना पुण्य, जो बहुत गरीबों को उसने सब तरह से भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट फ्री कर दिया, जो बहुतों को काम दिया, बहुतों को भी उसने धन के रूप में सहयोग दिया, ये सब किया, उसका फल मिलना है नहीं मिलना है? मिलना है। और एक पाप किया ना, एक व्यक्ति को उससे दूर करके उसके सारा परिवार को अशांत कर दिया, उसके परिवार के ऊपर बहुत बोझ चढ़ा दिया और उस व्यक्ति का बीमारी बढ़ने का निमित्त बन गया, उसका फल मिलना है नहीं मिलना है? तो कर्म का फल ऐसा आता है, कैसा आता है देखिए। एक एक्स व्यक्ति दूसरा जन्म में कैसा होता है उसका हालत, उसको बहुत अच्छे परिवार मिलता है,
क्योंकि उसने अच्छा पुण्य काम किया और उसके पास बहुत पैसा आता है क्योंकि उसने बहुतों को भी सहाय किया। उसके पास बहुत तरह के गाड़ी बंगला और सब कुछ सुविधा होता है। उनको ऐसा एक बीमारी आ जाता है, उसके सामने गोल्डन स्पून है लेकिन वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कुछ भी भोग नहीं सकता। ये 99 सुख का रिटर्न 99 मिलता है, एक पाप का रिटर्न वो 99 सुख सामने होते भी भोगने नहीं देता। ये है कर्मों का गधा। इसमें तारीख क्यों बन जाए, ऐसे कास क्या है इसमें? हमको उस बात पर हमको एहसास होना है, एक भूल भी हमारे साथ अच्छे कर्मों का फल भोगने नहीं देता। इसलिए बाबा हमको मुरली में हमेशा कहते हैं संपूर्ण संपन्न स्थिति, केवल पूर्ण पूर्ण नहीं कहते, संपूर्ण संपन्न स्थिति। इसका मतलब क्या है? केवल पूर्ण होने का बात नहीं, संपन्न आत्मा को जीरो अकाउंट बनाना वही है संपन्न। आत्मा को जीरो अकाउंट में ले जाना उसी को कहते कर्मातीत। आत्मा को पूर्ण रूप से आत्म जागृति में आ जाना है, प्रकृति का प्रभाव से दूर हो जाना, ये है जीवन मुक्त स्टेज। जब भी आत्मा अतीन्द्र सुख का अनुभव कर सकता, कोई इंद्रियों का वश, कोई इंद्रियों का जीव रस उसको खींचता नहीं, तभी ही आत्मा को अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है। वो सुख केवल खुदा से आत्मा अनुभव कर सकता है। तो बोलिए, आप किसी ने बोला बहुत अच्छी शरत है, एक चोर ने एक टेम्पल में जाकर के भगवान से सौदा करता है, भगवान आज मैं 1,00,000 रुपया चोरी करूंगा तो 10,000 तेरा दान पेटी में डालूंगा, तो हम दोनों का भी क्या हो गया, दोनों को क्या हो गया, कमीशन बिजनेस। तो भगवान से भी क्या नहीं कर सकते, कमीशन बिजनेस करते। ये तिरुपति बालाजी आपने सुना होगा, जो साउथ इंडिया में सबसे फेमस है, वहां लोग इतना है कि आपके दाने को ये सब प्रकार के गहने भी डाल देते हैं और ये बाल भी दे देते हैं। कई कई लोग तो इतना पैसा ले आकर के उसमें डालते हैं, उनको कहां से वो पैसा मिलता है पता नहीं, उधर उतना होता है। तो पता चलता है जो बहुत दूसरों के पैसा खा के आते हैं, बहुत ब्लैक मनी रखते हैं, उसको घर में रखेंगे तो क्या हो जाता है, इनकम टैक्स वालों को प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कम से कम क्या हो जाए, मेरे पाप थोड़ा तो कम हो जाए, ये सोच के दान पेटी में डालते हैं। लेकिन भगवान ने हमको इतना अच्छी तरह से भाग्य बनाने का तरीका दिखाया, वो शाम को आपको बताएंगे। रिचेस्ट इन द कल्पा, हमको भगवान रिचेस्ट क्यों बोलता है, वो आपको बहुत सुंदर सेशन लिए जाता है। आज शाम को 4:30 बजे को ठीक रहना, कल जैसे 5 नहीं 4:30, क्योंकि पहले आपको हेल्थ का क्लास एक लिया जाता है, वो है क्या है, आरोग्य भाग्य अमृत आहार। क्लास का टॉपिक क्या है, आरोग्य भाग्य अमृत आहार। उसके बाद बाबा हमको क्यों रिचेस्ट इन द कल्पा पदम पदम भाग्यशाली कहते हैं, उसका हिसाब दिखाते हैं आपको पूरी रीति से। इस दुनिया के कोई बैंक में वो अकाउंट नहीं होता है, वो कितना शून्य होता है एक पदम के लिए, कितना भाग्य हमारा बन रहा है, वो बिल्कुल आपको क्लैरिटी देते हैं। मंजूर है? हाँ जी, हाँ जी। आपके जीवन में कभी कभी ऐसा संभावना बहुत आया होगा, मेरे जीवन में भी आया, आपके जीवन में कभी कभी धन का बहुत अभाव हो जाता है, पैसा टाइम पर हमारे हाथ में नहीं आता है, पैसे होते भी वो पैसे हमको जरूरत ही टाइम पर कुछ ना कुछ विघ्न पहुंचाता है। इसको दूर करने के लिए आज आपसे एक प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग है मनी चार्जिंग। कौन सा प्रयोग,
कौन सा प्रयोग किया जाता है? मानी चार्जिंग। वो चार्जिंग से आपका जीवन में यहाँ तक जो भी बाधाएं हैं, वो जो पैसे के विचार में, वो सब पैसे के प्रॉब्लम आपको समाप्त होता है। वो योग प्रयोग के एक विधि से आपको सिखाया जाता है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है, सभी जो भी है यहाँ सीट में बैठे हैं, टीचर से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के सभी भी अपने पास थोड़ा पैसा लेके आए, दो हाथों में रखने जैसा। मैं ये नहीं डिमांड कर रहा हूँ आप 10,000 इस हाथ में, 10,000 इस हाथ में, ऐसे नहीं बोल रहा। चाहे आप 10 रुपया रखते हो, 1 रुपया रखते हो, आप वो आपका और बाप का दोनों का सस्पेंस सीक्रेट। लेकिन सभी को भी पैसा लेके आना है, अपने हाथ दोनों हाथों में पैसा लेके आए, ऐसे आपको लेके आना है। लेके आएंगे ना, लेके आएंगे ना, हाँ। आपको सिखाएंगे वो सीक्रेट क्या है। खास जिसको ज्यादा जीवन में पैसे के तकलीफ आते हैं, उन लोगों को भी आज से वो भूल मिट जाता है। आपके जीवन में पैसा आना ही आना, ऐसा आपका जीवन में एक भाग्य का खोलने का तरीका आपको सिखाया जाता है। इसलिए सभी, क्योंकि बाद में कितने जने चले जाते हैं हमको पता नहीं, अभी तो दोपहर के टाइम सभी रहते हैं, भोजन के बाद कई जगह टक 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 ऐसे गायब हो जाते हैं। इसलिए अब ही आपको बोल रहा है, हमारा जीवन में ग्रहचारी उतारना है तो हमको कई बातों को सीखना होता है। तो आप सभी भी एक क्लास मिस नहीं करो, कल अमृत वेला मिस नहीं करो, कल सुबह का क्लास और रात की मिस नहीं करो, कल शाम का क्लास। सभी का अनुभव का शेयरिंग होता है, मेरा भी बहुत ब्यूटीफुल अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कल तो संडे है, सभी को क्या करना है, ओटी जैसा ओवर टाइम आत्मा का आना ना आना बाद में देखेंगे, पहले हाथ तो उठाओ ना, पहले हाथ तो उठाओ ना भाई जी, फोटो ले लो सबका। कहने का भाव है कलम छोटा, हमसे बाबा अलग हो जाते हैं, है या नहीं? सत्युग में बाबा आते हैं, आता है, अगर बुलाएंगे तो आता है, अब बुलाएंगे नहीं वो आता नहीं। बाबा हमसे अलग हो जाता है, शरीर के संबंध हमसे अलग हो जाता है, अभी जो हम यहाँ बैठे हैं हम सभी एक दूसरे अलग हो जाते हैं, हाँ, इस रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा साथ आता है कि एक वो कर्म। सबसे बड़ा मित्र कौन है? एक कर्मों का ज्ञाता बनाने वाला ज्ञान सागर कौन है? कर्मों का विधाता, उसको कहते हैं भाग्य विधाता। कर्म से भाग्य बनता है, हमको केवल कर्म के बातें नहीं भाग्य का बाता बाबा सुनाता है। लोग भाग्य बनाने के लिए कितना सर्कस करते हैं, ये पूजा करो, ये व्रत रखो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, इसके पास जाकर के ग्रहचारी उतारो, उसके पास। बाबा से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में कर्म के विधाता नहीं, सभी पिछले कर्मों के बारे में ही बोलता है। संस्कार परिवर्तन करने का जादू कोई नहीं कर सकता है, कर्म बदलना है तो हमसे बदलना है। ये हाथ पाँव के रेखा से कोई कर्म नहीं बदलता है भैया, ये समझो सभी। हम आत्माओं के कर्म विधाता से इस दुनिया में कर्म का श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया जाता है। इसलिए हमने बिना मालूम ना मालूम भूल हुआ है, मानते हो या नहीं मानते? मैं मानता हूं, मैंने बहुत पाप कर्म किया था। हाथ उठाओ, हिम्मत है तो देखो, उठने में भी देहाभिमान आ जाता है, वो ईगो हटाता है, नहीं नहीं नहीं, हिम्मत चाहिए ना। बीमारी को बताना है तो डॉक्टर के पास छिपाया जाता है क्या? आज हम सभी अभी 40 मिनट एक सुंदर कर्मों का बीज समाप्त करने का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग? कर्मों का बीज को समाप्त। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म का बीज डाला उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, उससे छूट नहीं सकते। लेकिन इस जन्म में हमने क्या क्या रीति से भाव बिगड़ा,
कितनों को दुख दिया, कितनों से दुख लिया, वो तो हमको याद है या नहीं? याद है ही नहीं याद है? तो अभी मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूं, सभी डायरी पेन खोलो और किसी को किसी से कॉपी मत करना, सभी डायरी पेन खोलो और पहले सुनो सुनो सुनो, इनपुट ही नहीं डाला आप आउटपुट में आ रहे, पहले इनपुट डालने दो। आप लोगों को क्या करना है, मैं एक गीत डालता हूं कर्मों की गति के बारे में आपको। माताजी सभी बेटो, आप सभी भी बहुत डेप्थ से सभी मेरे तरफ ध्यान दीजिए, आप सभी बहुत डेप्थ से एक 5 नाम लेना है, 5 नाम यानी 5 files। फाइल्स बना भी आपको मालूम है ना, 5 1 5 2 5 3 मालूम है ना, तो 5 नाम लेना है। वो उसमें क्या होना है, जिसको आपने दुख दिया इस जीवन काल में, जिसको दुख आपसे हुआ, आप निमित्त बना किसी को दुख देने के, उनका 2 नाम लिखो। मेरे बात समझ में आया? आपने किसी को जाने अनजाने इस जीवन काल में, बाबा मिलने के पहले या बाबा मिलने के बाद वो बात नहीं, बचपन से अभी तक आपकी याद में अभी तक उसकी याद सताता है, कईयों को योग से ज्यादा उसका याद सताता है, क्योंकि राग द्वेष विपरीत हुआ होगा, वो बीज का फल प्रकट होता है। आज आप उस बीज को जला दिया तो आगे आपको योग ठीक हो जाता है, मंजूर है? मंजूर है? तो इसलिए कहता हूं आप लोग अभी 5 नाम लिखना है, मतलब 5 files, 2 व्यक्तियों का नाम जिसको आपने दुख दिया, जो आप निमित्त बना उसको दुख देने का, 3 नाम उसका लिखो जो आपको वो बहुत दुख देता है, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देते, वो चाहे पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, सास हो सकता है, सहेली हो सकता है, अलौकिक परिवार के बहने हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हिसाब बना हिसाब वैसे वालों का, या बच्चे हो सकता है, या पड़ोसी हो सकता है, या बॉस हो सकता है, या एम्प्लॉय हो सकता है, या कोई और दूर के संबंधी हो सकता है। आपका पैसा खा लिया होगा, आपको कोर्ट में केस में फंसाया होगा, आपको बहुत धोखाबाजी बन के धोखा दिया होगा, आपका जीवन में बहुत बाधा बन के आपको खुशी छीन लिया होगा, कोई भी हो, ऐसे व्यक्तियों का 3 नाम लिखना है। मेरे बात समझ में आया? फास्ट फास्ट नहीं लिखो, कईयों को बोलते वक्त 10 नाम आ जाता है, ऐसे नहीं, आपको बहुत प्यार से अंदर आत्मा स्कैन करना है, जैसे एक कंप्यूटर में मोबाइल में स्कैन करते हैं, कोई ना कोई वायरस नहीं आने, ऐसे हमको भी 5 मिनट शांति में बैठ करके आप अपने बचपन के दिन से जाओ, बचपन के दिन से जाओ, आपके मम्मी पापा माँ पिता से लेकर के अगर कोई कोई मरे हुए हैं, मेरे भाई बहनों ये बहुत बड़ा खतरनाक अकाउंट है, सुनो, जो मर चुका है कभी उसके प्रति दूसरों के साथ बात किया तो वो भी बहुत डबल अकाउंट हो जाता है, ऑलरेडी वो हमारा संबंध तोड़ के चले गया, उसके नाम लेकर के किसी के साथ डिस्कस करना, इसने मुझे इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, अभी तो ये मर गया है, ऐसे बोले तो भी अकाउंट बन जाता है। मरे हुए व्यक्ति का भी नाम किसी के सामने नहीं लेना। आज आप अगर वैसे व्यक्ति के बारे में किसी के साथ आपने आरोप लगाया तो उसका नाम भी लिख लो, और आज सुप्रीम जज रूप में बाबा को बुलाएंगे और सब कुछ अपना काटा इस पट्टी में सफल कर देंगे। समझ में आया? 5 नाम लेना है, पहला 2 नाम आप किसको दुख के निमित्त बना, 3 नाम जो आपको दुख दिया उनके कारण से आपको दुख मिला, या मर गया हुआ या जिंदा है, आपके संपर्क में है या संपर्क में ना हो, उनको भी 3 नाम लेना है। 5 नाम लिखने का हिम्मत है? हिम्मत है? सभी लिखेंगे?
हाँ पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से लिखेंगे, जल्दी जल्दी नहीं लिखना, कोई आपको कुछ ना कुछ आकर के पागल बोल दिया उसका भी नाम लिख लेते, ऐसे नहीं। जो लंबा लंबा लिस्ट होता है उसको आप जांच करना है। सभी पहले थोड़ा रेड लाइट डालो भाई, सभी का अटेंशन आता है, सभी अभी 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाद में लिस्ट में लिखेंगे। कोई किसका भी किताब देखेगा नहीं, अंडरस्टैंड, कौन नाम है, आप किसका नाम लिखा है, ये सब नहीं होना है, आपका पर्सनल प्राइवेट केस, आप जाने बाप जाने, हम आपसे वो बातें लेते भी नहीं, हमको वो कचरा चाहिए भी नहीं, इसलिए सभी बहुत ध्यान से सुनो। 5 मिनट सभी कर्मों के गुह्यता के बारे में जानेंगे। छोड़ देता है भाव कर्म सभी भी द्रव्य कर्म में रूप में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम देने के पहले आपके हाथ में 3 घंटा एग्जाम लिखना है, 2.5 आवर्स में एग्जाम के लिए आपने लिख लिया, आधा घंटा बचा है, फिर भी आप करेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब 3 घंटा हो गया आपका पेपर एग्जामिनर को दे दिया तो फिर आप घर में आकर के उस क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भूल गया, ऐसा आप याद करके वो क्वेश्चन पेपर आकर के वो कहा देवता के पास रख करके थोड़ा अगरबत्ती चला करके थोड़ा नारियल फाड़ करके थोड़ा प्रार्थना किया तो वहां रिजल्ट चेंज हो जाता है, होता है ऐसे ही अभी हम सभी एग्जाम दे रहा है, हम सभी क्या कर रहे हैं, एग्जाम। आत्मा जब शरीर छोड़ने का टाइम आ गया तो कुदरत रूपी एग्जामिनर को, ब्रह्मांड रूपी कंप्यूटर को वो एग्जाम पेपर हैंड ओवर हो जाता है। इसीलिए बाबा हमको प्रिपेयर किया शिक्षक के रूप में कैसा एग्जाम करना है, बाबा एग्जाम करने के लिए प्रिपेयर करता है, खुद बाबा तो एग्जाम नहीं लिखता है ना। इसलिए अभी हमारे पास मौका है संगम युग हमको कर्मों की ज्ञाता बनना है, कर्मों के काता को हम क्या करना है, बढ़ाना है या उतारना है, ये आपको मैं विधि सिखाता हूं। इसको बोला जाता है कौन सा विधि मालूम, इसको बोलता है क्षमा याचना, जेम्स इसको प्रतिक्रमण कहते हैं, बाबा हमको क्षमा याचना के शब्द से बोलते हैं, जैन लोग इसको प्रतिक्रमण के रूप में होते। अभी सभी ये विधि को ठीक रीति समझने के लिए एक का नाम लेंगे, पहला होता है हमने जिसको दुख दिया, एक नाम जीवन काल में बाल्यकाल से भी हो सकता है, लंबा समय वो व्यक्ति आपको याद आता रहता है, योग में बैठेंगे तो भी वो व्यक्ति याद आता रहता है, वैसे कोई एक व्यक्ति का नाम ले लो जो आपने अपना जीवन काल में उसको दुख दिया। सभी ले लिया नाम, हाँ जी हाँ जी, ओके गुड। अभी रिप्लाई करेगा, मैं आपको वो विधि सिखाता हूँ, आपके सामने बाबा को जज सुप्रीम जस्टिस के रूप में देखना है, आपके सामने बाबा को कैसे देखना है, सुप्रीम जस्टिस, इस संसार में जज से भी बड़ा जज, जस्टिस से भी बड़ा जजेस और न्यायाधीश से भी बड़ा न्यायाधीश बाबा से कोई है क्या, नहीं। आपको अगर धर्मराजपुरी में नहीं जाना है तो अब से ही आपका कर्म का काता को आप चेक करके थोड़ा थोड़ा हल्का करना है, बाबा इसीलिए हमको मुंडे में कहते हैं
रात को सोने के पहला कुट्टी को काली करो, मुझे सब हिसाब दे करके सोना, बोलता है नहीं बोलता है, तो वो विधि आपको आज सिखा रहा हूं। भाई जी रेड लाइट ना, तो सभी भी बहुत गंभीरता से करना है, ऐसे हल्का नहीं लेना कि हंसते हंसते कुछ बोल के चले गया। परमात्मा के सामने हम अपना खाता को बहुत सीरियसली दे रहे हैं। सभी योग मुद्रा में बैठो, योग स्थिति में बैठो, आपके सामने मुझे कोई नहीं देखना है, सभी चर्च को देखना है। परम पवित्र सागर बाबा सुप्रीम चर्च है, उसको देखना है। सभी आह्वान करो बाबा को, बहुत शांत से, प्यार से, दिल से। आज बाबा को आपके सामने थोड़ा टाइम के लिए चर्च बना दो। ओ प्राणेश्वर बाबा, ओ भाग्य विधाता बाबा, मुक्तेश्वर बाबा, आप सर्वोच्च सुप्रीम, विश्व में सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज इस पट्टी में मैं आपको अपना कर्मों का हिसाब देके आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। प्यारे बाबा आ जाओ, बाप दादा को, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को इस चेयर के ऊपर विराजमान के रूप में देखो। सुप्रीम जज, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाप दादा सुप्रीम गॉड फादर, मेरे सामने जज के रूप में कर्मों का खाता को देखने के लिए बैठा है बाबा। आज ऑफिशियल रूप में बैठा है। अभी मैं आत्मा बाबा के सामने एक फाइल लेके आ रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया, मेरे कारण उसको दुख हुआ, उस व्यक्ति का चेहरा बाबा के सामने लेके आए। बाबा को दृष्टि देखते हुए उस व्यक्ति को भी सामने लाइए और बाबा को बताइए कि ज्ञान सागर परम पिता शिव बाबा, मैंने जाने न जाने इस व्यक्ति को दुख दिया, उसका मन को अशांत किया, उसके प्रति मेरा भावना बिगड़ा। बाबा आज मैं उस शुद्ध आत्मा से क्षमा मांगता हूं। उस व्यक्ति को देखते हुए मन से बोलो, हे शुद्ध आत्मा, मेरे प्रकृति ने आपको दुख दिया,
मुझे क्षमा करो। शुद्ध आत्मा, आपके लिए हुए दुखों में पश्चाताप करता हूं, दिल से पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा करो। आज से आपके प्रति मैं कभी भी भावना नहीं बिगड़ूंगा, मुझे क्षमा करो। बाबा, इस शुद्ध आत्मा से मैं क्षमा दिल से मांग रहा हूं। आई एम सॉरी। वो व्यक्ति निमित्त बना मेरा कर्मों को हिसाब चुक्त करने, वो निर्दोष है, उसका गलती नहीं। अहंकारवश, देहाभिमानवश मैंने उसको दुख दिया। बाबा, मैं दिल से पश्चाताप करता हूं। हे शुद्ध आत्मा, मुझे क्षमा करो। ऐसे उस व्यक्ति को दिल से क्षमा याचना कीजिए। आप उससे क्षमा मांगते ही वो शुद्ध आत्मा आपको देखते बोलते, अब उसे इस क्षण से आपका और मेरा रिश्ता प्यार और सम्मान का होगा। अब दोनों का बीच का अकाल समाप्त हो गया। हम दोनों बाबा के बच्चे शुद्ध आत्माएं हैं। ऐसे कहते वो व्यक्ति मुझ आत्मा को ब्लेसिंग दे रहा है, दुआ दे रहा है, सुखी रहो, संगम युग में आनंद जीवन जियो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। ऐसे वो व्यक्ति मुझे शुभ संकल्पों का दुआ दे रहा है। बाबा, आगे मैं आत्मा उसके साथ हिसाब ना बना दूं, ऐसे आपसे वरदान ले रहा हूं। बाबा, आपका परम शक्ति का वरदान मुझ आत्मा को उससे हिसाब ना बनने का शक्ति दे। मैं परमात्मा के शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। हम दोनों का बीच का अकाउंट समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। वो व्यक्ति आपसे गुम हो गया, वैसे ही दूसरे व्यक्ति का भी नाम लेके आओ। आपको बोला गया दो व्यक्ति को कम से कम लेके आओ, जो आपने उसको दुख दिया। पहला व्यक्ति को आपने अकाउंट क्लियर किया, अब दूसरा व्यक्ति को लेके आओ, उसका चेहरा आपके सामने लाओ। जिस व्यक्ति को आपके कारण दुख हुआ, वो कोई भी हो सकता है, उसको आप बाबा के सामने लेके आओ, सुप्रीम जज के सामने लेके आओ। और उस व्यक्ति को देखते हे शुद्ध आत्मा, मैंने आपको अज्ञान से, भूल से आपको दुख दिया, वाणी से दुख दिया, मनसा से दुख दिया, व्यवहार से दुख दिया। मेरा भूल मुझे आपको एहसास हो रहा है, मुझे क्षमा करो। आई एम सॉरी।
पिछले जन्म के हिसाब से आप निमित्त बने थे, आप तो निर्दोष थे, मैंने आपको अहंकारवश दुख दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो। ऐसे उस व्यक्ति से आप दिल से क्षमा मांगो। बाबा, इस शुद्ध आत्मा को मैंने अभी दिल से क्षमा मांगता हूँ, आगे के लिए इनके साथ मेरा हिसाब ना बने। ऐसे परम शक्ति का वरदान आपसे ले रहा हूँ। ऐसे बोलते बोलते उस व्यक्ति को सॉरी बोलो। वो व्यक्ति, वो शुद्ध आत्मा मुझे देखते यही संकल्प का वरदान देते, हे शुद्ध आत्मा मैं आपको क्षमा कर दिया, आप खुश रहो, आपका मन आनंदित रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख रहे, आप विकर्मा जीत बने। जैसे वो व्यक्ति मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, दुआ दे रहा है, ऐसे देखते देखते वो व्यक्ति का चेहरा मुझसे गुप्त होता जा रहा है, मुझसे गुप्त होता जा रहा है, मुझसे गुप्त होता जा रहा है। अभी हम दूसरी फाइल को लेके जो हमको दुख दे रहा है, जो हमको दुख दे रहा है, हमारा जीवन में बाधा दे रहा है, हमको शांति से जीने नहीं देता है, हमको पुण्य कर्म में बंधन करता है, पवित्रता में बंधन करता है, घर में सुख से जीने के लिए नहीं देता, वैसे व्यक्ति का नाम चेहरा आप बाबा के सामने लेके आओ। बाबा सुप्रीम जज हमारे सामने बैठा है, उसके साथ उस व्यक्ति का नाम लेके आ जाओ, चेहरे से देखो और उससे बात करो। हे शुद्ध आत्मा, पिछले जन्म के हिसाब से आप मुझे दुख दे रहे हो, आप निमित्त हो, आप निर्दोष हो, मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ। I forgive you, I forget everything, मैं सब कुछ आपको forgive करता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, तुम जहाँ भी हो, कहाँ भी पाठ करना हो, जा करके खुशी से पाठ करो, मैं आपको कभी भी नफरत की भावना, राग द्वेष की भावना नहीं रखूंगा, आप शुद्ध आत्मा हो, मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ, आपकी बात चित्त में धारण नहीं करता हूँ। ऐसे बोलते बोलते उस व्यक्ति को शुभ भावना का वरदान दे दो, खुश रहो, संतुष्ट रहो, आनंद रहो, जीते रहो, परमात्मा के बच्चे बनके रहो, ऐसे उसको दुआ दे दो, दुआ दे दो। बाबा, आज के इस क्षण से मुझे जो व्यक्ति दुख दिया उसको मैं चित्त से निकाल रहा हूँ, उसको क्षमा कर रहा हूँ, उसको दुआ दे रहा हूँ, खुश
रहो, शांति रहो, आनंद में रहो, हमेशा उड़ते रहो, भाग्यवान बनो, ऐसे उसको मैं दिल से वरदान दे रहा हूं। वे व्यक्ति मुझे शुक्रिया शुक्रिया बोलते बोलते, मुझे माफ करो बोलते बोलते गुम होता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। और एक व्यक्ति जिसने आपको दुख दिया हो उसको भी आप सामने लेके आओ, जो अभी सिखाया उसी विधि को करो। हमको हर आत्मा में शुद्ध स्टेज को ही देखना है, किसी का भी संस्कार हमको देखना नहीं। हर आत्मा निर्दोष है, उस आत्मा को क्षमा कर दो जो आपको सुख में जीना नहीं देते। वो चाहे आपके बच्चे हो, पोते हो, सास हो, बहू हो, आपके पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसको दिल से दुआ दे दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सब खुश रहे, सब आनंद रहे, सब का जीवन आनंद रहे, सब खुश रहे, किसी के प्रति भावना बिगाड़े नहीं। ऐसे कहते कहते आपके मानस पटल में जिनका नाम है उस नाम को मिटा दो और दिल से बाबा को देखते हुए, बाबा हमारा कर्मों को अच्छी करने के लिए आप संगम युग में आया है, आप हमारा धर्म राज बना है, सुप्रीम जज बना है, शिक्षक बना है, आपको बहुत बहुत प्यार से मैं धन्यवाद करूं। ऐसे बोलते बोलते बाबा को देखो, उस फाइल को पूरी रीति से समाप्त करना है। इसी को बाबा हमें कहते हैं, सोने के पहले बुद्धि खाली करके बैठो, सो बाप को साथी बना के सो जाना। समझ में आया? इसको कहते चौर, इसको क्या कहते चौर। ऐसे नहीं मैं आज तो अमृत वेला होगा ठीक, आज तो भोजन शुद्ध हुआ ठीक, वो तब तो नियम, लेकिन सूक्ष्म गति यदि वो देरी रखो, अमृत वेला उठो, झुटका खाते क्या खाते पता नहीं, कान पान में घर में भी झगड़ा करते हैं, बाहर वालों को भी बोलते हैं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इसको ही नहीं पुरुषार्थ कहते। ये सब नियम है, पुरुषार्थ मतलब
पुराना कांटा हल्का से समाप्त हो जाए, नया कांटा बड़े ही जागृति में रहे, इसको कहते हैं प्रसाद। इसी को बाबा हमको कहते हैं बाप समान को पाना है, समान करना को पाना है। तो किसी भी कारण से हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, फाइल्स क्रिएट नहीं करना, क्या क्रिएट नहीं करना है, फाइल्स। अभी सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो अभी आप उठ के जाते हैं। समझो किसी ने आकर के आपको कुछ ना कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे या शुद्ध आत्मा बनेंगे, क्या बनेंगे? आप जल्दी जल्दी जा रहे, कोई आकर के आपको धक्का मार करके चले गया तो उसके प्रति भावना चढ़ाए, कुछ ना कुछ भावना बिगाड़ेंगे, नहीं ना। उसको कैसे दृष्टि से देखना है, शुद्ध आत्मा। ईसा यहाँ बच गया तो वहां भी बच गया, बच गया अर्थात बच्चा बन गया, तो जो बच्चा बनता है वो बच जाता है, जो कच्चा बनता है वो ना बचता है। इसलिए बाबा कहते सच्चा बनो, अच्छा बनो, बच्चा बनो तो बच जाएंगे।